हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। आज व्यूवर्स, मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग हम करेंगे, जानेंगे इस रीडिंग के द्वारा, इस मेथड के द्वारा कि आपके जो पर्सन है वो आपको देखे करंटली क्या सोच रहे हैं, उनके लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, और वो इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके, अब उनके मन में क्या है। तो चलिए देखते हैं, जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखिए। हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना भी हो, क्योंकि हम सभी राशियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए रीडिंग कर रहे हैं। इस रीडिंग को करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कैंडल का। तो आपको अपने पर्सन के ऊपर ध्यान बनाए रखना है, फोकस रखना है जब मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करूँगी तो। और रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, या आपके कुछ सवालों के जवाब आपको मिलते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, आप अपने पर्सन का नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम, और चलिए देखते हैं उस व्यक्ति के मन में आपको लेके क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। दिस पर्सन इज़ राइट नाउ वेरी मच इमोशनल, बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं और टेंशन में भी नज़र आ रहे हैं। ये कुछ लोगों से हो सकता बात रेजोनेट हो, बट यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है कि ये व्यक्ति अपने आपके इस कनेक्शन को लेके भी स्ट्रेस में है कि इस कनेक्शन में हो क्या रहा है, ये कनेक्शन ऐसा हो कैसे गया है, ये कनेक्शन ऐसा बन कैसे गया, आप ऐसे कैसे हो गए, ये ऐसे कैसे हो गए, कहाँ से चीज़ें शुरू हो गई, कब से बिगड़ गई, कैसे ये आपसे इतना दूर होते गए, कैसे आप उनसे दूर होते गए, कैसे आप दोनों में जो बातों का सिलसिला था वो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। ये सबसे पहले वो एनर्जी मुझे मिली है कि ये जो व्यक्ति हैं ये इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। एक्चुअल में व्हाट इज़ गोइंग ऑन, हो क्या रहा है भाई, समझ में तो आए। सिचुएशन को समझना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस व्यक्ति के लिए राइट नाउ, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जितना ये व्यक्ति बोल रहे हैं यहाँ पे कि जितना मैंने इस कनेक्शन को संभालने की कोशिश की, आपने अपनी तरफ से, इन्होंने अपनी तरफ से, फिर भी ये कनेक्शन क्यों ख़राब हो रहा है, फिर भी आप दोनों के बीच में दूरियाँ क्यों आ रही हैं, फिर भी आप दोनों चाहते हुए एक दूसरे के नज़दीक क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्यों बातें जो हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं। तो ये सब कुछ इस व्यक्ति की लाइफ में चल रहा है, और मैं इस व्यक्ति को ये भी देख रही हूँ कि शुरुआत में कनेक्शन कैसा था और राइट नाउ कनेक्शन कैसा बन चुका है, आप कितने बदल चुके हो। यस, ये आपके पर्सन भी आपके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं कि आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, आपके आपके बात करने के लहजे में काफ़ी कुछ चेंजेस आ चुका है। आप इस वक्त एक ऐसे व्यक्ति हो जो साथ में तो हो पर साथ में हो के भी नहीं हो, कुछ ऐसा इनको फील होता है कि हाँ, मे बी आप इनको दिखाते हो, जताते हो कि आप इनके साथ में हो, इनके साथ खड़े हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, बट कहीं ना कहीं वो एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग आ ही जाती है, वो एक तरह का इमोशनल डिटैचमेंट फील हो ही जाता है। तो क्यों, अक्सर नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन चीज़ें बार बार मुझे बैक स्टेप क्यों ले जाती हैं, सिचुएशन मुझे बैक स्टेप क्यों कर देती है। तो इस व्यक्ति की लाइफ में अगर मैं देखूँ व्यूअर्स राइट नाउ, कहीं ना कहीं इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, जैसा ये चाहते थे जैसा कुछ हो, वैसा हो नहीं रहा है इनकी करंट लाइफ में भी। मुझे यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी मिली है जो एक तरह का सिग्नल दे रही है, जैसे ये किसी लूप होल में फंस गए हैं, जी किसी की ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन फंस गए हैं। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी बन रही है ना, वो यही दिखाई दे रही है। 7 की एनर्जी भी है और 8 की एनर्जी भी है। तो ये एनर्जी दोनों मिलके एक संदेश देती है, वो ये कि यार हो क्या रहा है लाइफ में, समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे निकलूं इससे बाहर, इस सिचुएशन से बाहर, कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कुछ हो ही नहीं पा रहा। बार बार हम सेम सिचुएशन को क्यों फॉलो कर रहे हैं, या सेम सिचुएशन हमें क्यों फॉलो कर रही है, जैसे कि कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में। आपके पर्सन यहाँ पे यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये है क्या, ये हो क्या रहा है, ये चीज़ें एंड अप क्यों नहीं होती, ये रैप अप क्यों नहीं होती, क्यों वैसा नहीं होता जैसा अक्सर हम चाहते हैं, या वैसा नहीं हो पा रहा जैसा मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। तो इस व्यक्ति की लाइफ में इस समय मैं स्ट्रेस, एंग्जाइटी और एक कश्मकश में फंसा हुआ इस व्यक्ति को देख रही हूँ, जहाँ से ना तो ये आगे बढ़ पा रहे हैं ना ये पीछे हट पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक
एक ऐसी एनर्जी मिल रही है जो ये रिप्रेजेंट कर रही है, मे बी ये पर्सन करंटली कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो, या फिर कोई ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग मतलब एक ट्रांजिशन के बारे में भी सोच रहे हैं, जैसे किसी प्रॉब्लम से बाहर निकले और ये ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, मे बी हो सकता है करंटली ट्रैवल भी कर रहे हो और स्टिल इस व्यक्ति के माइंड में ये सब कुछ चल रहा है कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, या आपके बारे में भी यही सोच रहे हैं। तो यस, मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ जैसे ये कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, कोई कदम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। और ये भी है कि जो कुछ हुआ है इस कनेक्शन में उसने बहुत कुछ बदल दिया है। सम टाइम यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है कि लेट्स ब्रेक द बॉन्ड, अगर हमारे बीच में कुछ नहीं हो पा रहा है, या आपको आपका ट्रस्ट जो है वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, जस्ट फॉरगेट द पास्ट, भूलो उसे, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, इसी में बेहतरी है। क्योंकि किसी के लिए रात दिन रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पर्सन समटाइम प्रैक्टिकल होने की भी कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार रात दिन मैं उसके लिए रोता हूँ या रोती हूँ, उसको याद भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मतलब हम दोनों में चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही है, या फिर वो मेरा नहीं हो सकता, मैं उसका नहीं हो सकता। मे बी आप लोगों में हो सकता, कुछ लोगों में ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं पर एक दूसरे के साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, मतलब एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या एक दूसरे के साथ में रिश्ता निभा के नहीं चल सकते, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। मे बी यहाँ पर बात हो रही है तो फैमिली इशूज़ की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स ऐसा ही फील करे कि यार हम दोनों का रिश्ता चला पाना अगर पॉसिबल नहीं है तो लेट्स फॉरगेट इट, इसे जाने देते हैं। लेकिन वो आपसे एक इमोशनल बॉन्ड है, जैसे मैंने बोला ना, कुछ तो है, कुछ है ज़रूर कि जिससे ये ओवरकम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी कि ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों में एक ऐसी फीलिंग कहूँ या शक्ति कहूँ या कुछ वैसा बंधन कहूँ जो ऐसा नज़र आ रहा है, जिस व्यक्ति को आपसे दूर भी जाने नहीं देता और जो दूर जाने के लिए मजबूर भी कर रहा है। तो ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे हैं। तो मैं इस व्यक्ति को इस समय बहुत ज़्यादा कश्मकश से गुजरता हुआ देख रही हूँ, जहाँ पर इस व्यक्ति की लाइफ में इन्होंने कोई स्टेप ऑलरेडी जो इन्होंने लिया था उसको लेके प्रॉब्लम चल रही है, और जो ये स्टेप लेना चाह रहे हैं, जो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं ऐसा नज़र आ रहा, उसमें भी ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम है। यानी कहीं ना कहीं इनके सामने रुकावटें क्रिएट की जा रही है, रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप दोनों में भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, ऐसे बात नहीं है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रॉब्लम्स हुई हैं और उन प्रॉब्लम की वजह से मतलब मानसिकता एक दूसरे को लेके बहुत बदल गई। पहले एक दूसरे को बहुत प्यार से देखा जाता था, फिर धीरे धीरे एक दूसरे की कमियाँ नज़र आने लगी, इसके अंदर ये कमी, आपके अंदर भी कमी। ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन ने आपके अंदर कमी नहीं देखी, बिल्कुल उनको भी आपके अंदर काफ़ी कमियाँ नज़र आई हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनकी एक्सपेक्टेशन पे, उनकी जो इमेजिनेशन पे कहीं ना कहीं आप भी लैकिंग कर गए हो, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। दैट्स व्हाई व्यूअर्स यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जी मिल रही है कि उन्होंने आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके एक पॉज लिया हुआ है, एक पॉज मतलब नज़र आ रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का। मे बी अगर कुछ आने वाले समय में चीज़ें बेहतर होती हैं तो लेस वी वी कैन मूव टुगेदर, यानी हम एक दिशा में एक साथ बढ़ेंगे। अगर चीज़ें नहीं हो पाती हैं, एक दूसरे के साथ में थिंकिंग है, फीलिंग्स हैं, वो मैच नहीं करती, तो देखा जाएगा उन चीज़ों को लेके, ऐसा भी नज़र आता है। बट यस, कहीं ना कहीं मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ जैसे आपसे कुछ डिटैचमेंट वाली एनर्जी मिल रही है। डिटैचमेंट ये फोर्सफुली करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनके सामने सिचुएशन ऐसी आ गई है जो इनको फोर्स कर रही है कि आपसे वो इस समय दूरी बना के रखें। लेकिन हाँ, मुझे ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है कि इनके दिल में तो आप हो। अब आप कहोगे इतना सब कुछ हो गया, दिल में मैं हूँ, कैसे हूँ दिल में, ऐसे व्यूअर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो टाइम बिताया है ना, आप दोनों ने जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो टाइम आप लोगों ने बिताया, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल इनिशियल स्टेज इस कनेक्शन की, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और वही मेमोरीज हैं, वही वक्त है जो कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाता है कि हालात बदल सकते हैं, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, इंसान को फिर से बदला जा सकता है या वो बदल सकता है। तो यही है व्यूअर्स की जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपके पर्सन की तरफ से अगर मैं देखूँ तो वो भी उस पुराने वक्त को, वो भी उस वक्त को जैसे कि आपसे कब मिले, ऐसा भी नज़र आ रहा है कि वो उस बात को भी याद रखते हैं कि यार उससे मिलना भी बड़ा संजोग ही रहा है अपने आप में। और उस व्यक्ति को जो पहली बार देखा तो ही लगा था कि कुछ ना कुछ तो है इस और इसके और मेरे बीच में, कुछ हो सकता है, और वो हुआ भी। तो ये ऐसे ही नहीं हो गया, कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा था जो हम दोनों को पास ला रहा था, और इसीलिए आज आपके पर्सन भी बस उसी बात को फील करते कि कुछ ना कुछ तो हमारे बीच में ऐसा है जो हमें दूर जाने के लिए भी मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर सब दूर जाना चाहें तो भी दूर नहीं जा पा रहे हैं, स्टिल सोचना जारी है, जैसे सोच में रहते हो हर वक्त। मतलब ऐसा नज़र आता है कि ये व्यक्ति, अगर बात करूँ, आपको लेकिन इमोशनली फील भी करते हैं, सफरिंग
मतलब इनको डर भी है, व्यूवर्स अगर मैं बताऊँ ना, इनको डर है कि इनके जो सपने हैं आपको लेके वो चकनाचूर ना हो जाए। जैसे किसी से डर रहे हैं, किसी इंसान से डर रहे हैं, यहाँ पे किसी इंसान का ही डर नज़र आ रहा है कि इनके सपने जो हैं वो चकनाचूर ना हो जाए। आपको पाने के जो सपने ये सजाते हैं, सोचते हैं, आपको अपनी लाइफ में जो कमी महसूस करते हैं, कहीं ऐसा ना हो वो चीज़ें परमानेंट हो जाएँ। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति में भी आपसे या तो शादी करना चाहते थे, कुछ लोगों के पर्सन हो सकते हैं भाई आपसे शादी करना चाहते थे, या ऑलरेडी शादी ब्रेक हुई है। अब कुछ लोग लिए ऐसी एनर्जी भी मिल रही है, लेकिन वो हुई है, मतलब इनकी वजह से नहीं हुई है। ये नहीं चाहते थे ऐसा, ये चाहते थे कि शादी आपकी हो, बट किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी मे बी इनके फैमिली की इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा नज़र आ रहा है कि वो चीज़ें खराब हुई। मतलब आप लोगों में ऐसा ही है कुछ ना कुछ। तो मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि इन्होंने जो भी स्टेप लिया, दैट वाज गॉन रॉन्ग, बहुत कम्प्लीटली रॉन्ग हो गया। तो आज आपके पर्सन व्यूवर्स इसी वजह से मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, कि ये सोच तो रहे हैं आपको लेके कि ये पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होने की कोशिश भी करते हैं, पर जैसे सर्कमस्टेंसेस, जैसे हालात इस समय चल रहे हैं, उनको देखते हुए इनकी जो उम्मीद है आपको लेके, आपको पाने की या फिर आपसे जुड़ने की, वो कहीं ना कहीं बार बार टूट जाती है। तो ये डिमोटिवेटेड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। हाँ, कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे हैं ऐसा नज़र आ रहा है। मन में बहुत है कम्युनिकेट करना, बात करना, आपसे, आपके बारे में जानना, आपको, आपसे पूछना, जैसे कि क्या चल रहा है लाइफ में, लाइफ कैसी चल रही है, क्या सब कुछ ठीक है, इस तरह से है। क्या लाइफ रूटीन हो पाई, रूटीन मतलब नॉर्मल हो पा रही है तुम्हारी, जैसे कहने की कोशिश कर रहे हैं मेरी नॉर्मल नहीं हो पा रही है लाइफ, मैं नॉर्मल करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर नॉर्मल हो नहीं पा रही है, क्योंकि मेरी लाइफ नॉर्मल होगी ही तब जब उसमें तुम होंगे या फिर तुम्हारा साथ था तब नॉर्मल थी। ये तो लाइफ एक तरह की ड्यूटी सी बन गई है, जैसे ड्यूटी निभा रहा हूँ, ये चल रही है लाइफ, बस चलती चली जा रही है, वही डेली रूटीन है, लेकिन उसमें कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है, उसमें वो कशिश नहीं है, वो बात नहीं है, वो इन्जॉयमेंट नहीं है जो कभी पहले हुआ करता था, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इसे ओवरकम करना चाहते हैं, ये लाइट होना चाहते हैं, मतलब एक हल्का महसूस करना चाहते हैं आपके पर्सन, मतलब इनको इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये दबते चले जा रहे हैं, और ये चाहते हैं फिर से एक जिंदा दिली वाली ज़िंदगी जीना, लेकिन वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही है। करंट फेज से आपकी, आपके पर्सन व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है, ये इसमें रहना नहीं चाहते, ये इसमें स्टक हो गए हैं, और बार 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 वही सारी बातें इनके साथ में हो रही हैं जिनको ये फेस नहीं करना चाहते हैं। तो इनको फेस वो करना पड़ रहा है जो ये फेस नहीं करना चाहते, और जो ये फेस करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये कहूँगी, ये पर्सन इस समय एक तरह के बर्डन में है, एक तरह के ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर इनके इमोशंस, कभी कभी ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा जब गुस्से में होते हैं ना, मतलब बहुत समय से अपने इमोशन को दबा रखा होता है, अगर कोई इनको छेड़ दे तो ये एकदम से मतलब वो इमोशन सरफेस पे आ जाता है, तो कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है, कहीं की बात कहीं निकल जाती है। ऐसा इस व्यक्ति के साथ में मतलब कुछ दिनों से हो रहा है कि ये व्यक्ति अपना फ्रस्ट्रेशन, मतलब इस कनेक्शन की फ्रस्ट्रेशन कहूँ, या इस कनेक्शन में जो भी कुछ चल रहा है वो हैंडल सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा, उसकी बात कहूँ तो ये इमोशनली डिस्टर्ब तो है आपके पर्सन, और उस वजह से ये जो पर्सन है ये इस सिचुएशन को, इस फ्रस्ट्रेशन को मे भी कहीं और निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे इनकी अक्सर आजकल किसी से, किसी ना किसी से कहा सुनी हो ही जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, और आपके पर्सन और भी फ्रस्ट्रेटेड है, यार किसी से बन ही नहीं रही है, बनने में नहीं आ रही, कोई ढंग से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर आप भी बात नहीं कर रहे हो, कुछ लोग ले तो यस ये भी एनर्जी है कि आपके पर्सन कह रहे हैं सीधे मुँह तो आप भी बात नहीं कर रहे हो, आप कौन से सीधे मुँह बात करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ कहो तो सुनते ही नहीं हो, या सुनने की कोशिश नहीं करते हो, या फिर आपसे बात करते हुए मतलब इतना से लगता है कि आप सीधे मुँह बात ही नहीं करोगे। इनको ऐसा भी कहीं ना कहीं लगता है, अगर आपसे बात भी करने आए ना तो आप इनके साथ में कुछ ऐसा बिहेव कर सकते हो, ये भी एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है। मतलब अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी अग्रेशन है, ऐसा इस व्यक्ति को फील होता है, आपके अंदर भी इस समय करंट में जो चल रहा है वो अग्रेशन ही चल रहा है, तो ये अग्रेशन को फेस नहीं करना चाहते क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा एक तरह का रफ़ एंड टफ़ टाइम है, तो रफ़ एंड टफ़ टाइम को आपके पर्सन वेलकम नहीं करना चाहते, ये पोलाइट स्मूथ एनर्जी में रहना चाहते हैं, ये आपके साथ में बढ़ना तो चाहते हैं बट एक स्मूथनेस के साथ में, पुरानी पास्ट की बातों को, बातों को जो भी हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं बैड टाइम को रिप्रेजेंट करती है, ये उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं।
हाँ, कुछ लोग, ये पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं व्यूवर्स, ये कुछ लोगों से रेजोनेट करेगी बात, क्योंकि इनका एक डिसीजन, इनका डिसीजन या रिश्ते में लिया हुआ एक गलत स्टेप आज पूरे के पूरे फैमिली को, मतलब हो सकता है आप इनकी फैमिली हो, क्योंकि फैमिली की एनर्जी मुझे नज़र आई, हो सकता है कि पूरी की पूरी फैमिली एक गलत स्टेप की वजह से सफ़र कर रही है। अब वो गलत स्टेप आपसे लिया गया, आपकी तरफ से हुआ या फिर आपके पर्सन की तरफ से हुआ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये माइंड में चल रहा है कि यार वो बातें भुलाए से नहीं भूल रहे हैं कि वो स्टेप लिया गया था। अगर काश वो स्टेप नहीं लिया गया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती कि एक एक इंसान की गलती से पूरा का पूरा कनेक्शन डिस्ट्रॉय होता है, पूरी फैमिली सफ़र करती है। यानी कि ये चीज़ें नज़र नज़र नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। आपके पर्सन यहाँ पे यही कहना है कि हाँ, मैं भूल नहीं सकता वो वाली बातें, मैं भूल नहीं सकती वाली बातें। अब चाहे वो इनकी तरफ से हो चाहे वो आपकी तरफ से, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ बात हुई ज़रूर है इस कनेक्शन में जो दिमाग से निकल नहीं रही है। और आज आपके पर्सन को बस यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ, कैसे ये जो स्ट्रेस है दिमाग में बढ़ता चला जा रहा है, इससे कैसे बाहर निकलूँ, कैसे लाइट हूँ। लाइट होना चाहते हैं, मतलब हल्का फुल्का सा महसूस करना चाहते हैं, एक प्लेफुल वाली एनर्जी में जान आना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। तो वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ टैरो की तरफ से कि टैरो की तरफ से क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ यहाँ पर राशियों की, तो राशि रिवर्स मेरे पास यहाँ पर टॉरस आई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट राशि है, कैंसर है यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास मेष राशि की एनर्जी है, ठीक है, तुला राशि की एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आई है मेरे पास, ऑलराइट, और धनु राशि की एनर्जी है। तो ये कुछ राशियाँ हैं, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 3, ये एनर्जी गाइज मुझे नंबर्स के थ्रू मिली है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। मैं इस को थोड़ा साइड कर लेती हूँ यहाँ पे पहले। ओके, तो मैंने जो है वो हटा दिए हैं, तो चलिए देखते हैं टैरो से, देख लेते हैं आपके पर्सन आपको लेके फिलहाल किस एनर्जी में आपको देख रहे हैं और आपके लिए और क्या है उनके मन में, प्लीज यूनिवर्स बताएं। ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड दी 3 ऑफ सोर्ड। राइट नाउ व्यूअर्स, देखो मैंने जो बोला ना, आपके पर्सन का आपको लेके जो माइंडसेट नज़र आता है, ये कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है कि अब आपका इस कनेक्शन को लेके या तो उतनी आप लोग उतने सीरियस नहीं हो, या फिर इस वक्त आप लोगों का जो माइंडसेट है दैट वाज वेरी डिफरेंट, वो बहुत ज़्यादा दिखाता है चीज़ों को लेके, मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो आप लोग, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी, अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ, मेरा करियर, मेरी मेरी प्रायोरिटीज़, ये सब चीज़ें हैं। यानी कहीं ना कहीं मैं वाली एनर्जी आ गई, आपके पर्सन आपको मैं में देख रहे हैं। तो जो मैं की एनर्जी आ जाती है ना, तो वो देख रहे हैं जैसे उनका कुछ वैल्यू ही नहीं है आपकी कनेक्शन में, आपकी लाइफ में, आपके आपके माइंड में, उनके दिल, आपके दिल में। तो ये जो चीज़ें हैं व्यूवर्स यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे आपको इस वक्त या तो बहुत ज़्यादा लगाव है अपनी सेल्फ वर्थ से, आप अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या ये कहा जा सकता है कि आपकी लाइफ में अब जो प्रायोरिटी है दैट इज़ मटेरियलिस्टिक लाइफ, मतलब पैसा, पावर, मनी और मेरी मेरी लाइफ की स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें हैं। यानी कि आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो और आप इस व्यक्ति की कंडीशन को नहीं देख रहे हो एज़ पर दिस पर्सन थिंकिंग। जो इनकी थिंकिंग है मैं आपको वो बता रही हूँ, आपकी डिफरेंट हो सकती है नो डाउट, लेकिन यहाँ पर आप बहस करने मत लग जाना कि मैंने जो ऐसा कभी सोचा ही नहीं, नहीं, ये उस व्यक्ति की थिंकिंग मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सोच किसी की कुछ भी हो सकती है। अब ये पर्सन व्यूअर्स ऐसा फील कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में जैसा आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो या जैसा आप इनको ट्रीट कर रहे हो दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, वो उससे इनको हर्ट बहुत हो रहा है, उस मेंटालिटी से, उस एटीट्यूड से, उस एक्शन से जो आपने इस व्यक्ति की तरफ लिए हैं या ले सकते हो। तो ये कुछ ऐसा वहम सा अपने मन में या तो बना के बैठ गए हैं, या फिर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ भी होगा दैट वॉज अनएक्सेप्टेबल, वो कुछ ऐसा हो सकता है जो कि इनको प्रॉब्लम में डाल दे या ये प्रॉब्लम में आ चुके हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर नज़र आया है। क्योंकि मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ जिसे आपके पर्सन आपके सामने थोड़ा सा हेल्पलेस से महसूस कर रहे हैं, उनको आपसे डर लग रहा है, सच बताऊँ तो ये डर वाली एनर्जी आई है, जैसे ये व्यक्ति डर में भी है और हर्ट भी नज़र आ रहे हैं और ये इसे ओवरकम करना चाहते हैं, ये इसे निकलना चाहते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये आपसे बात करें तो किस तरह से बात करें, क्योंकि बात ही तो करनी सबसे ज़्यादा भारी है,
बात ही नहीं कर पा रहे हैं। ये आपने या तो अपनी सेल्फ वर्थ को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है कि सामने वाला आपके सेल्फ वर्थ के सामने, आपके एटीट्यूड और आपके बिहेवियर के सामने टिक नहीं पा रहा है या टिक नहीं पा रही है। उसको लग रहा है कि भाई ये पर्सन तो ऐसा ही बिहेव करेगा, ये पर्सन तो ऐसा ही ट्रीट करेगा क्योंकि मैंने ऐसा कर दिया है या ऐसा हो चुका है। तो ये चीज़ें हैं व्यूअर्स, जिसको ये फील करें कि यार ये चीज़ें अब उसके माइंड में भी हैं, वो इन चीज़ों को भी नहीं भूलेगी या नहीं भूलेगा, तो ऐसा ही रिएक्ट करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है कि इस व्यक्ति को मैं राइट नाउ बहुत ज़्यादा सफरिंग से ही गुजरता हुआ मैंने इस रीडिंग की शुरू में भी देखा, और एंड में भी वही नज़र आया कि ये सफरिंग से ओवरकम करना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि सफरिंग से बाहर निकले। ऑलराइट, तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे हैं। तो मैं इन कार्ड्स को रिक्लेरिफाई करूँगी बस थोड़ा सा, और एट ऑफ पेंटिकल को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। एट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है? अवेयरनेस, यानी व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा जो कह सकती हूँ कि हाइड थी वो अनहाइड हो चुकी हैं, और आपका भी व्यूअर्स जब से आपके सामने चीज़ें कुछ आई हैं तब से आपका भी नेचर बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बदला है। और ये पर्सन व्यूअर्स इस वक्त ऐसा महसूस करें कि अगर ये समय जैसे खुद को कितना ही एफर्ट्स लगा लें लेकिन मे बी आपके जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उनको ये शायद पूरा ना कर पाएंगे, ऐसा इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि पता नहीं आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पास्ट में जो कुछ हुआ है वो ये फील कराता है कि यार इस कनेक्शन में बहुत दर्द मिला है, तकलीफ मिली है, और उनका इस कनेक्शन मतलब ऐसा भी नज़र आ रहा है कि उनका एक्सपेक्टेशन जो है आपका वो भी कहीं ना कहीं बहुत अब हाई हो चुका है। मे बी इस व्यक्ति के लिए फुलफ़िल कर पाना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस व्यक्ति को व्यूअर जैसे मैंने बोला सेल्फ वर्थ की बात अगेन आती है, तो आप मे बी इस व्यक्ति को इस समय अपने से खुद दूर रख रहे हैं, इस व्यक्ति को ऐसा भी फील हो रहा है ये आपकी तरफ आएँ तो आएँ कैसे, क्योंकि जो गलतियाँ हो गई हैं वो अब उनको बदला कैसे जाए, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये इस समय बहुत कुछ सोच रहे हैं, दैट इज़ इल्यूजनरी, सिर्फ इनके माइंड में है ये अपने अपने माइंड की थिंकिंग है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सारी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि जहाँ से जहाँ पर इंसान की आंखें सिर्फ बंद हैं वो अपनी अपने ही विज़न को फॉलो कर रहा है, वो रियलिटी को इस समय देख नहीं पा रहा है, ये रियलिटी को समझ नहीं पा रहा है, इस तरह की एनर्जी से उसको डर भी लग रहा है। उसको डर क्या है, देखो अगेन वही डर वाली बात आ गई, तो डर क्या है कि मे बी आप इनको अपनी लाइफ में जो अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो आप इनको कोई ना कोई सज़ा ही दोगे। देखो सज़ा की बात करी, देखो आगे सज़ा वाली एनर्जी, तो यही है, इनको ऐसे लग रहा है कि यार कुछ पॉसिबल है ही नहीं, इनको तो अपनी तरफ से मायूसी ही नज़र आ रही है। मतलब ये कोई एक्शन लेते हुए भी डर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक्शन लूँ तो लूँ क्यों जब मुझे कुछ पॉजिटिव नज़र ही नहीं आ रहा, पॉजिटिव साइन नज़र नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे चल रही हैं जो कहीं ना कहीं दिखाती है इस व्यक्ति इससे निकलना तो चाहते हैं, आपके पास में आना भी चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि मे बी आपकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस इनको नहीं मिलेगा। इनको जो भी रिस्पांस नज़र आ रहा है दैट वाज हार्ट ब्रोकन, वो इनको डरा रहा है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी से, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ क्लेम करिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और रीडिंग्स के लिए। और व्यूअर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट रीडिंग में हम और भी देख लेंगे इनके माइंड में और भी क्या चल रहा है, मतलब फ्यूचर को लेके क्या सोचते हैं, एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, वो नेक्स्ट रीडिंग में हम कवर कर लेंगे। काफ़ी लंबी हो गई रीडिंग है तो मैं इसको यहीं एंड करती हूँ। ओके, सुबह बाय, टेक केयर।